हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, क्योंकि टीसीएस की जो प्लेटफॉर्म है, टीसीएस के करियर पोर्टल पे आप जाके कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर टेक्निकल प्रोफाइल में, फाइनेंस प्रोफाइल में, या फिर ईच एंड एवरी प्लेस पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आज हम देखेंगे टीसीएस के पोर्टल पे जाके। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो हर किसी के लाइफ में हर किसी का इंटरेस्ट होता है कि मैं टीसीएस और विप्रो और इन्फोसिस जैसे कंपनी में जाके अप्लाई करूं, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाऊं। तो ये चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। देखो, अभी मैं आ चुका हूँ टीसीएस कंसल्टिंग सर्विसेज के जो टीसीएस है उसके होम पेज पर। मैं टीसीएस के होम पेज पर अभी आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो टीसीएस ने अपना पेज को एकदम टोटली मतलब हाईलाइटेड बढ़िया बना दिया। पहले कुछ साल पहले मैं हम चेक करते थे कुछ महीना पहले तो यहाँ पे वाइट सारा चीज़ आता था, लेकिन अब इसको क्या है ना, ग्राफिक को चेंज कर चुका है, पूरा ग्राफिक को पूरा चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो डायरेक्ट अब हम चलते हैं यहाँ पे कैरियर साइट पर हम गए। कैरियर साइट पर हम पूरा प्रॉपर गए। कैरियर साइट पर जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ज्वाइन अस। पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिखा बिल्ड अ फ्यूचर यू बिलीव इन। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया, अप्लाई पर हमने क्लिक किया। अप्लाई पर क्लिक करते टाइम डायरेक्ट टीसीएस के प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे जहाँ पे जॉब्स वगैरह आते हैं। देखो यहाँ पे फेक जॉब से रिलेटेड बड़े बड़े कंपनी ऐसे आपको मतलब वो अपना दिखाते रहता है ताकि फेक जॉब से ऑफर लेटर से रिलेटेड आप फेक ऑफर से आप अवेयर रहें। गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर सारा चीज़ें, इस पर हम क्लिक करते हैं, जॉब पर जाते हैं। सेलेक्ट फंक्शंस इसमें बताए, क्वालिटी एंड एश्योरेंस, फाइनेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस, मार्केटिंग एंड सेल्स कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे एचआर का भी वैकेंसी, एचआर का वैकेंसी जीरो दिखाई दे रहा, जॉब वैकेंसी इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, बिजनेस प्रोसेस का भी जीरो है, यहाँ पे फाइनेंस का भी जीरो है, और यहाँ पे एक है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें आपको देखो दिखाया क्या है क्वालिटी एंड एश्योरेंस में, इसमें है कि 2 से 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, यहाँ पे एक वैकेंसी है। 5 से 14 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इसका एक वैकेंसी है। 14 से 50 ईयर का एक्सपीरियंस, जीरो वैकेंसी है। इसमें यहाँ पे इसलिए दिखाता है कि 1 वैकेंसी है, बहुत सारे लोग भरते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेस पर इसकी वैकेंसी होती है। तो ये नहीं कि एक ही वैकेंसी है, बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलग अलग स्टेट कंट्री में यहाँ पे वैकेंसी होती है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखता है ताकि हर लोगों को सेलेक्ट करते जाएं, अलग अलग प्लेस पे भेजते जाएं। फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस में कोई वैकेंसी नहीं है। आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें 6 वैकेंसी है। इसमें टेक्नोलॉजी में 69 वैकेंसी, जॉब अवेलेबल 69 है। ये सारी चीज़ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आईटी से रिलेटेड तो आप ज़रूर जाके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की बात करूं तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से 5 से 7 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा, जॉब डिस्क्रिप्शन सारा चीज़ पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद से क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे आपका वैकेंसी, कैसे कैसे आप सिलेक्शन होगी, इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करोगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेल आईडी डालोगे तो सारा पेज ओपन होकर आ जाएगा, सब चीज़ खुल के होकर आ जाएगा। और इसके पोर्टल पे हर एक चीज़ इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके आपको इंस्ट्रक्शन आपको भेजते हैं। अभी न्यू वैकेंसी, न्यू जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हर प्लेस पे, हर जगह पे बहुत ज़्यादा कॉलिंग में और सेल्स में वैकेंसी आती है। बायजूस में मेरे पास इतने सारे वैकेंसी आए, मैं सिलेक्शन भी हुआ लेकिन मैं उस बायजूस को नहीं किया, क्योंकि सेल्स में बहुत ज़्यादा टारगेट देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए बच्चे सेल्स वगैरह नहीं करते, कॉलिंग वगैरह नहीं करते। एक बार मैं जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा, जस्ट डायल के एक ऑफिस में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी क्या कंडीशन है जस्ट डायल का, और आइनाइजर में भी जाके दिखाऊंगा कुछ दिन बाद कि वहाँ के कंडीशन क्या है, वहाँ पे जाके अप्लाई कैसे कर सकते हो। काफ़ी टाइम हो गया मुझे जस्ट डायल और आइनाइजर के और जैनपैक्ट वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ उसकी रिव्यू लेना, उसके बारे में बताना। तो उस प्लेस में मैं अभी हाल ही में बहुत जल्दी ही मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे। और हाँ, कहीं अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो प्लीज़ ध्यान रखना, पहली बात जाने से पहले उसके बारे में जानना, तब जाके आप इंटरव्यू देने जाना। अगर आप ग्रेजुएशन हो, बीए किए हो, तो कोई टेक्निकल स्किल, कोई एक्सेल्स वगैरह जानो, जानने के बाद तब आप वहाँ पे जाओ, तब जाके इम्प्लीमेंट करो अपने आप को। ये नहीं कि अगर आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, कोई भी कोर्स हो, बेसिक किए हो तो बेटर है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जस्ट डायल में अभी डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड वैकेंसी चल रहा है, आप जाओ वहाँ पे, एक जैसे 2-3 मैम हैं लिंक्डइन आईडी से जुड़े हैं वो लोग रिप्लाई। तो चलो, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। ये सारे अपने वो दोस्तों को भेजो जिनका रिक्वायरमेंट है, जिनके पास एक्सपीरियंस है आईटी में जाना चाहते हैं, जरूर ये वीडियो को शेयर करना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।